हाँ जी सर, सिमता पुरी, वाइफ ऑफ अनीश धवन। मेरे हसबेंड सीगे, असी गड्डी ते घर जा रहे सीगे ते अचानक इन्हां नूं याद आया कि इन्हां दा फोन जिहड़ा है आउटलेट ते भुल गए सी, साडा आउटलेट है उत्थे भुल गए, ते उहदे लई असीं इह अपना फोन लैण लई गड्डी च उतरे। जिद्दां ही गड्डी च उतरे आ, इक लड़के ने दरवाजा खोलिया, मैनूं पुछदा है कि गुरुद्वारा साहिब का रास्ता इधर है, तो मैंने बोला कि हाँ इधर है। उसने दरवाज़ा पकड़ा, मैंने उसको वो धीरे धीरे करके गाड़ी में बैठना उसने शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने उसको धक्का देने की कोशिश की, उसने जो गन थी वो मेरी बेटी के यहाँ पे उसने पॉइंट आउट उसको करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसको हटाया तो उसने बोला कि मैं बेबी को शूट कर दूँगा, तो ज़्यादा शोर नहीं मचाना है। वो आगे आगे गाड़ी लेके चला गया। जैसे ही उसने आगे गाड़ी भगाई, मैंने विंडो ओपन करी किसी तरीके, विंडो ओपन करके मैंने शोर मचाया। वो जो पिस्टल थी वो मेरे पैर में गिर गई थी गाड़ी में। जैसे ही मैंने उठाई, मैंने फटाफट उसको बाहर फेंक दिया। तो मेरे को कहता आपके पास अभी तो आपने एक ही फेंकी है, मेरे पास एक और है, मैं अभी आपको दूसरी पिस्टल से शूट आउट करूँगा। उसके बाद जैसे ही हम आगे गए, मैंने विंडो ओपन करी थी, मैंने बहुत शोर मचाया चार पांच जगह पे, वहाँ पे 10-12 लड़के भी जा रहे थे। तो उन्होंने उनको मैंने बोला कि बचाओ बचाओ, फिर वो भागे भी हैं पीछे आगे। पर मैं जैसे उससे मैंने बोला, मैं क्या भैया आप ऐसा कर क्यों रहे हो, कहता मेरे को ना 5,000 रुपया चाहिए। तो मैंने उसको बोला मैं आपको 10,000 दिला दूँगी, प्लीज़ आप मेरे को छोड़ दो और मेरे बच्चे को छोड़ दो। जैसे ही मैंने उसको ये, मेरी बेटी बोल रही थी पापा पापा, मैंने उसको बोला मेरी बच्ची अपने पापा के बिना नहीं रहती। तो कहता इस बच्चे को इधर ही छोड़ दे, इस बच्चे को फेंक दे इधर और तू मेरे साथ चल। जो जैसे ही उसने ऐसे बोला, मैंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया, वो गाड़ी में बिल्कुल मेरे पैरों में नीचे बैठ गई थी। बच्ची मेरी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जैसे वो एक बार गया, फिर उसने यू टर्न लिया वापस आया, मैंने उसको बोला मुझे यहीं छोड़ दे तू चला जा जहाँ जाना है तूने गाड़ी लेके। तो कहता नहीं, तूने जितना हल्ला मचाया था मेरे पीछे पुलिस लग गई होगी। फिर वो तारा वाले पुल वाले चौक पर चला गया, बाबा मुराद शाह जी की जगह के बिल्कुल सामने उसने गाड़ी रोकी है। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो मेरे को कहता कि गाड़ी की चाबी कहाँ है। तो मैंने उसको जानबूझ के बोला कि आप उस आपकी राइट साइड पे होगी। जैसे ही उसने उधर देखा, उसने देखा तो मैं अपनी बेटी को लेके फटाफट गाड़ी से बाहर निकली। जैसे मैं बाहर निकली, उसने मुझे फिर बोला कि तू गाड़ी से बाहर क्यों निकल रही है। उसने मेरा हाथ पकड़ कर फिर मुझे अंदर घसीटने की कोशिश की। जैसे उसने घसीटा, मेरी बेटी थी जो वो पीछे ही गिर गई रोड पर उल्टी, वो वहाँ पर गिर गई थी। और वो फिर गाड़ी उसने यू टर्न लिया और फिर वो वापस आ गया। अब क्या मांग करते हो? सर हम तो जस्टिस ही चाहेंगे ना, जस्टिस ही चाहेंगे कि भाई मेरी बेटी थी, देखो अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। जैसे आपने बोला मैंने गन फेंक दी, वो कहाँ फेंकी आपको पता है, मालूम है पुलिस ने? हाँ जी, वो पुलिस ने ऑन द स्पॉट रात को आकर उन्होंने उसको पिक कर लिया था। रिकवरी कर ली? हाँ, वो रिकवरी कर ली। वो पुलिस को ही पता है, वो हमें नहीं पता, उन्होंने हमें नहीं बताया। एक और थी उसके पास, वो नहीं मैंने देखी, वो मैंने दूसरी गन नहीं देखी, क्योंकि मेरे को लगता है वो नहीं थी, वो सिर्फ डरा रहा था उससे। कितने साल, कितनी उम्र थी उसकी? अराउंड उसकी 20 to 22 के इतनी थी, इससे ज़्यादा नहीं था। नशे में था? हाँ, वो ड्रग एडिक्टेड था, उसने खुद बताया था। मैंने उसको बोला भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहता दीदी देखो मैंने आपको बहन बोला है, मुझे सिर्फ पैसे दिला दो, मुझे आपकी गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बच्चा भी नहीं चाहिए। तो मैंने उसको बोला कितने पैसे चाहिए, कहता 5,000। मैंने बोला मैं 10,000 दिला दूँगी, तो प्लीज़ मेरे को गाड़ी रोक दे और मेरे को और मेरे बच्चे को छोड़ जा इधर। तो फिर उसने बोला कि नहीं अपने हस्बैंड को फ़ोन करो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप पैसे इसको दो। इन्होंने बोला कि किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो कहता नहीं अकाउंट में नहीं, मुझे बस स्टैंड आके मिलो, मुझे कैश चाहिए। तो हमने उसको फिर, उसने बोल रहा था कि आप अपने हस्बैंड को बस स्टैंड की तरफ बुलाओ, पर लेके गाड़ी मेरे को कहीं और लेके जा रहा था, जिस वजह से मुझे शक हो गया कि ये कहीं और लेके जा रहा है। तो मैंने फटाफट बाहर निकलने की कोशिश की। फिर आपने क्या किया, अपने हस्बैंड को कैसे बुलाया? मैंने एक्चुअली उससे चोरी साइड पे करके लाइव लोकेशन लगा दी थी इनको। जी सर, अपना नाम दस के की गल हुई है रति का। सत श्री अकाल जी, माई सेल्फ अनीश धवन एंड कल रात में असी इतने हरिमंदर साहब एरिया दे विच साडा आउटलेट है, आउटलेट तो इतों असी फ्री होके 11:30 दे अराउंड असी वापस जा रहे सी रेजिडेंशियल अपने। तो उस टाइम ते मेरा फोन रेस्टोरेंट च ही रह गया, तो जस्ट 50 meters अवे फ्रॉम द रेस्टोरेंट मैं अपना फोन लैन ली, मैं गड्डी खड़ी की पहला, तो खड़ी करके मैं आया, जिदा ही फोन पिक करके गया उत्थे गड्डी सीगी नहीं। तो जो तो पता चलिया कोई ऑटो वाला आ रहा सीगा, वो कहिंदा कि जी तुहाडी गड्डी ना, एक लेडी जो सीगे गड्डी च, मेरे वाइफ सी पर ते बेटी सीगे,
ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਪਈ ਹੈ ਚਾਬੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਲੱਸ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਿਫਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੈ PB05AM5843 ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਹੈ ZXI ਸਰ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ 30+ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਈਅਰ ਦੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਮੰਥ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੀ ਹੈ ਸਰ ਛੋਟੀ ਬੇਬੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਜਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਈਵਨ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 5,000 ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡੇ ਸਰ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲੜਕਾ CCTV ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ